और ब्राइट क्रोम ग्रुप BCG इसको बोलते हैं, और वोडाफोन आइडिया, यस बैंक। अभी अभी आई बड़ी खबर, अगर आपके पास है यस बैंक, BCG और वोडाफोन आइडिया, तो आपको मैं एक बात बता दूं दोस्तों। चलिए पहले तो बता दें आपको कि ब्राइट क्रोम ग्रुप अपर सर्किट क्यों लगाया, और ये हमारे रडार पे 6 महीने पहले से आया था, जिसकी चर्चा हम कर चुके दोस्तों। अगर आपने सोच रहे होंगे कि सर क्यों नहीं बता रहे हैं, क्या करना है, अरे मैं बताने के लिए तो मैं आपको ये वीडियो मैं भेज रहा हूँ। अगर आपके पास BCG स्टॉक है, तो दोस्तों एक बात बता दूँ आपको, बेचना नहीं। और 31 अगस्त को, कब? 31 अगस्त को, फर्स्ट अगस्त को, 31 अगस्त एक बार प्रॉफिट ज़रूर बुक कर लेना दोस्तों। हटना नहीं है, निकलना नहीं है इसमें से, इसको प्रॉफिट बुक करके पैसा जो है तिजोरी में रख लेना है। और तिजोरी में रखने के बाद जैसे आपको प्रॉफिट बुक करने के बाद जिस प्राइस पे आपने ख़रीदा था, उस प्राइस पे फिर दोबारा ख़रीद के रख लेना है, इसलिए कि ये स्टॉक आपको 40 रुपये के पार जाने के लिए तैयार है। चलिए दूसरा स्टॉक जो है यस बैंक की, जो आपने बताया कि यस बैंक आपके पास है, यस बैंक तो 4 रुपये जब था, ये घोटाला जो बैंक फ्रॉड गिरी हुई थी आपको याद होगा, ये बैंक दोस्तों 500 के आसपास था, 500 का प्राइस था इसका। जब यस बैंक में घोटाला फ्रॉड गिरी हुआ और पूरा खाली हो गया खजाना, लोगों का पैसा तो नहीं डूबा, लेकिन RBI का पैसा तो बहुत नुकसान हुआ, और स्टॉक ये 4 रुपये तक आ गया था दोस्तों। और मैं आपको 2.5 साल हो गया हमारे चैनल का लगभग, उस समय लगभग ये 10 रुपया, 11 रुपया, 12 रुपया का रहा करता था। जिसने हिम्मत रखा 2.5 साल 2 साल, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इसलिए कि पेशेंस जो रखता है उसी को फ़ायदा होगा। तो आप भी पेशेंस रखिए, अगर आप अभी तक नहीं बेच पाए, जिनका 20 रुपये के आसपास ख़रीदारी है, उसको तो अब रखना ही चाहिए। और जब ये 10 रुपया, 12 रुपये, 11 रुपये था, उस समय ज़रूर आपको लेना चाहिए था, लिए होंगे तो बहुत बहुत आपने दूरदर्शिता अपनाई। चलिए यस बैंक में, लेकिन हमारे हिसाब से ये स्टॉक अभी कम से कम 3 साल और आपको रगड़ाएगा, रगड़ खिलाएगा, चप्पल घिस जाएगा इसको 50 रुपया पार करने में। जो लोग बोलते हैं कि 100 रुपया हो जाएगा, इसकी आशा आप मत रखिएगा दोस्तों। 100 रुपया होने में आपके पैसे कई बार हिलकोरे और ज्वार भाटा में फंसेंगे। देखें ज्वार भाटा जानते हैं ना किसको कहते हैं, ज्वार भाटा जो समुद्र किनारे जाएंगे ना तो लहरें उठती हैं, जो आती है उसको ज्वार कहते हैं, और जब जाती है तो भाटा कहते हैं, तरंग जिसको करंट बोलते हैं, लहरें बोलते हैं, समझ में आ गया। चलिए दूसरा वोडाफोन आइडिया, ये वोडाफोन आइडिया जब 4 रुपया था तब तो आपने लिया नहीं, जब 4 रुपया था तो लिए नहीं, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन ये स्टॉक अभी भी आशा बनाए रखा है। और स्टॉक मार्केट में आशा तो बना रखना पड़ेगा, धैर्य तो रखना पड़ेगा दोस्तों, धैर्य पेशेंस ज़रूरी है शेयर बाज़ार में, अगर आपको पैसा कमाना है तो, वरना नुकसान कराने के लिए तो तैयार हैं, बैठे हैं दो गिद्ध शेयर बाज़ार में तैयार हमेशा रहते हैं दोस्तों। दो गिद्ध किसको कहते हैं, अगर इसके बारे में जानना है तो पिछला वीडियो ज़रूर देखिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और पिछला वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आपको शेयर बाज़ार में पैसा कमाना दोस्तों, तो एक बात याद रख लीजिए, MBA BK सिंह की बताए हुए स्टॉक कम से कम 3 महीने से 6 महीना हो जाने के बाद ही कमेंट कीजिए आप लोग कि सर आपने बोला था। और एक बात और बता दूँ, 100% मेरा दावा है, इट्स माय चैलेंज टू ऑल ऑफ यू, और सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया को मैं चैलेंज करता हूँ
चाहे वो कस्टमर हो कंज्यूमर हो या क्लाइंट हो, कोई भी कंपनी 100% किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, ये भी जान लीजिए। अगर 100% सेटिस्फाई कर देगा वहाँ पर विकास रुक जाता है। आपकी बातें सही है, ये सब लोग मान जाएंगे, आप जो कहते हैं वही सही है, तो फिर समझ लीजिए कि ये दुनिया चलेगी नहीं। तो उनकी इसमें से 10% लोगों की हमें परवाह नहीं है, इसलिए कि हम जानते हैं कि 10% इसलिए कि ऑलरेडी IMBA मार्केटिंग एंड फाइनेंस, तो हम जानते हैं कि मार्केटिंग क्या है फाइनेंस क्या है, तो किसी तरह किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। बस 90% बहुत ज़्यादा होता है, 90% मतलब सक्सेस होने का मतलब आप यू आर सक्सेस 100%। और जो व्यक्ति अपने आप पर विश्वास नहीं करता है उस पर भगवान भी विश्वास नहीं करता है, क्योंकि भगवान ही ने आपको भेजा है, भगवान ही ने भेजा आपको, तो कहेंगे ये कैसा नालायक को भेज दिया, ये अपने आप पर विश्वास नहीं कर रहा, क्योंकि हम इसके साथ हैं फिर भी ये विश्वास नहीं कर रहा है, तो दुनिया क्या। आप पहले अपने आप पर विश्वास कीजिए, अपने शेयर जो ले रहे हैं उस पर विश्वास कीजिए, फिर देखिए आपका शेयर कैसे बढ़ता है। अब विश्वास का मतलब धैर्य, जब ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो सोच के लिए होंगे, किसी का वीडियो देखकर और किसी की बात सुनकर लेते हैं, तो इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।